नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन में अचानक खराबी आ गई। प्लेन को अचानक देवघर एयरपोर्ट पर उतारा गया। खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके बाद पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वक्त रहते विमान को देवघर एयरपोर्ट पर उतार दिया। इस दौरान पीएम मोदी को दिल्ली लौटने के लिए देवघर एयरपोर्ट पर करीब एक घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वायुसेना का दूसरा विमान आया तब जाकर पीएम मोदी दिल्ली लौट सके। अचानक बदलना पड़ा पीएम मोदी को विमान। देवघर में तकनीकी खराबी से रुकी उड़ान। देवघर में पीएम मोदी के विमान में क्या हुआ? धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई दौरे पर हैं। जमुई से पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और दिल खोलकर आदिवासी समाज के उत्थान के लिए योजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान दिल्ली लौटने के लिए उड़ा। लेकिन अभी 100 किलोमीटर का भी सफर तय नहीं हुआ था कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत ही देवघर एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग कर दी और फिर विमान की जांच शुरू हुई। दूसरी तरफ देवघर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार करते रहे। प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तत्काल दूसरे विमान के इंतजाम की कवायद शुरू हो गई। करीब एक घंटे के बाद देवघर एयरपोर्ट पर वायुसेना का दूसरा विमान पहुंचा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सुरक्षित रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए हैं। अब सवाल है कि सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही हुई है? क्या विमान के उड़ान भरने से पहले तकनीकी जांच में लापरवाही बरती गई? विकास कुमार, जी मीडिया।